हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भाई कांग्रेस सरकार ने जीत के बाद दोनों तीन स्टेटों में कर्जा माफ कर दिया है। अब दोस्तों मोदी सरकार भी किसानों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, केसीसी में भी आपको कर्ज माफी मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसको भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार ने भी एक कर्ज माफी के बाद केसीसी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में किसानों की कर्ज माफी के बाद केंद्र सरकार भी किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है। मोदी सरकार 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। इनमें बड़े पैमाने पर कर्ज माफी और किसान क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव की योजना है। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी सरकार भी अपने चुनाव से पहले कुछ ना कुछ चेंज कर सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के माध्यम से किसानों को बड़ा लाभ देने की योजना बना रही है। KCC के माध्यम से किसानों को 2 लाख रुपये का ऋण देने की योजना है, और वह भी बिना गारंटी के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आपको KCC पर 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा, जो भी बिना गारंटी के। आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। पहले आपको देखो जमीन वगैरह अपनी गिरवी रखनी पड़ती थी, तब जाकर आपको कुछ कर्ज माफी में तब जाकर दोस्तों आपको कर्जा मिलता था जमीन गिरवी रखने के बाद, और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा समस्या आती थी। अब दोस्तों मोदी सरकार आपको बिना गारंटी के कर्जा दे सकती है। और दोस्तों जानकार ये भी बता रहे हैं कि भाई जिन किसानों को केसीसी का ऋण बकाया चल रहा है उन्हें भी कुछ राहत दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिनका थोड़ा बहुत कर्ज माफी जो कर्जा जो पहले का बकाया चल रहा है उनको भी दोस्तों कुछ राहत मिल जाएगी। अभी तक केसीसी में ऋण लेने की सीमा 1 लाख रुपए है, इस सीमा को बढ़ाकर दोस्तों 2 लाख रुपए किया जा रहा है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि भाई अभी तक 1 लाख रुपए तक की सीमा चल रही थी, लेकिन अब 2 लाख रुपए तक की सीमा मोदी सरकार कर देगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार फसल बीमा योजना को कवरेज भी बढ़ाने पर विचार कर रही है तथा बीमा योजना के दावों को भी तेजी से निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी को लेकर भी मंत्रणा कर रही है। आखिरी बार 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी की घोषणा की गई थी। अब दोस्तों आपको हम KCC कार्ड के बारे में भी बता देते हैं। भाई भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। KCC के माध्यम से किसान को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है, और वह बहुत ही मामूली ब्याज दर पर। इसके अलावा किसान इस कार्ड के माध्यम से बीज, खाद आदि भी खरीद सकते हैं। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 1 लाख से ज्यादा का ऋण लेने पर जमीन गिरवी रखनी होती है, लेकिन अब सरकार की योजना है कि भाई 2 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा ऋण लेने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई अभी तक हमको जमीन गिरवी रखनी होती थी, हमारी जो भी जमीन बाड़ी खेती बाड़ी जो भी है हमारी, हमारे को दोस्तों गिरवी रखकर उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाकर तब जाकर दोस्तों हमको KCC पर कर्जा मिलता था। लेकिन अब मोदी सरकार की नई योजना से हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना, या फिर यूँ कह लो कि भाई बिना गारंटी का अब हमारे को कर्ज देने की जो मोदी सरकार है वो योजना बना रही है। तो दोस्तों है ना ये खुशखबरी आप लोगों के लिए। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी संबंधित रिश्तेदार और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे नए मेंबर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।